Hello students, this is Rahul Pudhania presenting you the second lecture of first chapter of class 10th biology that is life processes. In last class we discussed what are life processes, some details of nutrition and nutrients, types of nutrients, importance of food, types of nutrition and autotrophic nutrition. In autotrophic nutrition we discussed about photosynthesis, requirements of photosynthesis, details of chloroplast carbon dioxide water and sunlight today we will discuss about basics of photosynthesis and heterotrophic nutrition so let's start as we all know what is photosynthesis it is the act of making organic food from inorganic raw material by the plants with help of sunlight and chlorophyll so the basic reaction of photosynthesis is when six molecules of carbon dioxide adds to 12 molecules of water and with help of sunlight and chlorophyll forms a molecule of glucose six molecules of water and six molecules of oxygen what that means that six molecules of carbon dioxide combines with 12 molecules of water to form one molecule of glucose this is called photosynthesis because this formation of food is done with help of sunlight means photo the act of photosynthesis occurs in two steps first is photochemical and second is photosynthetic phase we'll discuss each in detail one by one so first one is photochemical phase it is also known as light or hill reaction in this reaction what happens विथ हेल्प ऑफ सनलाइट द मोलिक्यूल ऑफ वाटर इज ब्रोकन डाउन इन टू प्रोटोन्स मीन्स एच पॉजिटिव आय दीज प्रोटोन्स आर यूज टू जनरेट एम्युलेटरी पावर दैट इज ए टी पी एंड एन ए डी पी एच मीन्स एनर्जी सो वट वी सेट लाइट को एब्सॉर्ब करके वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि वहाँ से प्रोटोन्स एच पॉजिटिव आयन्स निकल सकें इन प्रोटोन्स की काइनेटिक एनर्जी से हम क्या बनाते हैं ए बनाते हैं ए एंड एन ए डी पी एच ये दोनों एसमिलेटरी पावर हैं या एनर्जी का फॉर्म इसको हम कह सकते हैं ये बनती हैं तो यानी जो फर्स्ट फेज़ है फोटोसिंथेसिस का जिसे हम कहते हैं फोटो केमिकल फ़ेज़ यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा लाइट एनर्जी की हेल्प से ए टी पी एंड एन ए डी पी एच बनेगा यानी हम एनर्जी बनाएंगे जो सेकेंड फेज़ है जिसे हम कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज़ या डार्क रिएक्शन और ब्लैकमैन रिएक्शन इस रिएक्शन में हम जो ए टी पी हमने जनरेट किए फोटोकेमिकल फ़ेज़ में उनका यूज़ करके इन ए टी पी का यूज़ करके हम ग्लूकोज़ बनाएंगे यानी फूड बनाएंगे और इस ग्लूकोज़ को प्लांट स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में आपको इस पूरे प्रोसेस की डिटेल्स तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि जो फोटो सिंथेसिस है उसके दो स्टेप्स हैं फोटोकेमिकल एंड फ़ोटो सिंथेटिक फ़ोटोकेमिकल फ़ेज़ में हम एसिमिलिटरी पावर बनाएंगे यानी ए टी पी बनाएंगे एंड ए डी पी एच बनाएंगे एनर्जी बनाएंगे और फोटो सिंथेटिक फ़ेज़ में इस ए टी पी एन डी पी एच का यूज़ करके हम फूड ग्लूकोज बनाएंगे एक साइकिल के द्वारा साइकिल का नाम होता है कैलविन साइकिल जो आप पढ़ेंगे एलेवंथ क्लास में तो हमने देखा कि फोटो में दो फेज हैं फोटोकेमिकल और फोटो एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन एक कहते हैं डार्क रिएक्शन जो आपने पढ़ा होगा लाइट रिएक्शन में ए बनेंगे और डार्क रिएक्शन में एक्चुअल जो फूड बनता है वो बन जाएगा तो ये बात थी फोटोसिंथेसिस की पूरे फोटोसिंथेसिस में हम अगर बनाएंगे ग्लूकोज यानी सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स बनाएंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटीन ए एंड ट्वेल्व एन मॉलिक्यूल्स यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड 18 ए और 12 एन मॉलिक्यूल चाहिए तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा तो ये बात थी फोटोसिंथेसिस की नाउ वी डिस्कस अबाउट हैट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एज द नेम सजेस्ट सुजेस्ट अदर जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना रेडीमेड फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है उसे बोलेंगे हम हाइड्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन मेनली ये तीन तरह का होता है फर्स्ट इज सेप्रोफिटिक सेकेंड पैरासिटिक एंड थर्ड इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विल डिस्कस ईच इन डिटेल सो फर्स्ट वन इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक मीन्स फूड इज ऑबटेन फ्रॉम डेक एंड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स और वेस्ट मटेरियल जैसे कि फंगस केस में होता है होता क्या है मान लिया कोई फूड का पार्टिकल पड़ा हुआ है आउटर आउट, आउट ऐसे ही फंगस आएगा इसके ऊपर अपने एंजाइम सिक्रीट करेगा एंजाइम सिक्रीट होते ही क्या होगा जो ये फूड पार्टिकल है वो डिके होना शुरू हो जाएगा यानी इससे कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड बन जाएंगे अब उन सिंपलर कंपाउंड्स को ये फंजाई एब्जॉर्ब कर सकता है यानी फंगस ने उस फूड पार्टिकल को डिके किया उस से जब हमारे पास सिंपलर कंपाउंड बन गए तो उसको उसने अपनी बॉडी सरफेस की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लिया इसको बोलेंगे हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मतलब जब हम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं विद हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन उसे बोलेंगे हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मेनली कहाँ होता है फंगस में होता है कुछ प्लांट्स भी होते हैं जैसे मोनोट्रोपा का एग्जाम्पल है यहां भी ये यह सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होगा यहां सिंपली कैसे दिखाया गया कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से सिंपलर में कन्वर्ट किया गया फिर उन सिंपलर कंपाउंड्स को फिर से और डाइजेस्ट किया गया और बॉडी उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेगी इसे कहते हैं हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन जैसा कि नाम बता रहा है पैरासाइट यहां पे एक ऑर्गेनिज्म होस्ट होगा जिसके ऊपर पैरासाइट यानी अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहेगा यहां पे एक रिलेशन है होस्ट पैरासाइट रिलेशन यानी पैरासाइट क्या है एक ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए होस्ट के ऊपर डिपेंड है उसे बोलेंगे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट ऑबटेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर स्पीशीज कॉल्ड होस्ट जो ये रिलेशन है होस्ट पैरासाइट का ये मेरे नेगेटिव रिलेशन होता है यानी जहाँ पे जो पैरासाइट है वो होस्ट में डेफिशेंसी कोज कॉज करता है बीमारी कॉज करता है यानी होस्ट में बीमारी हो जाएगी हो जाएगी और कौन करेगा इसको पैरासाइट कर, कर देता है तो ऐसे पैरासाइट को हम कहते हैं पैथोजन जो बीमारी कॉज करते हैं तो पैरासाइट मैंने दो तरह के हैं एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट जो एंडो यानी अंदर ऐसा पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहता है उसको बोलेंगे हम एंडो पैरासाइट। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम सभी ने सुना होगा ये मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है हमारी बॉडी में ये रहता है और हमें मलेरिया कॉज कर देता है सेकेंड है हमारे पास पैरासाइट एक्टो यानी बॉडी के सरफेस के ऊपर ऐसा पैरासाइट जो बॉडी के सरफेस के ऊपर रहता है उसे बोलेंगे हम एक्टो पैरासाइट सभी जानते हैं इसके बारे में जो मॉस्किटो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारी बॉडी के ऊपर आके हमारा ब्लड सक कर लेता है बेड बग हो गया लीच टिक और एक प्लांट का एग्जाम्पल आता है उसको बोलते हैं कस्कटा हिंदी में इसको बोलते हैं हम अमरबेल ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है और उस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहता है और जो स्ट्रक्चर इसमें काम आते हैं एब्जॉर्बशन में इसको बोलते हैं हम हॉस्टोरियम यानी कस्कटा हॉस्टोरियम यानी एक स्ट्रक्चर होता है जो दूसरे प्लांट की बॉडी में डाल देता है और हॉस्टेरियम धीरे धीरे फूड एब्जॉर्ब करके उस प्लांट को देता रहता है तो इस तरह से कसकटा एक एक्टो तो पैरासाइट की तरह अपना न्यूट्रिशन लेता है तो हमने अभी पढ़ा सप्रोफिटिक न्यूट्रिशन सेकेंड था पैरासिटिक थर्ड है होलोजो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जो हम ह्यूमंस में भी होता है इस न्यूट्रिशन में क्या होता है हम पूरा का पूरा सॉलिड पीस ऑफ फूड लेते हैं इनटेक करते हैं उसे बोलेंगे होलो यानी कंप्लीट हम सेल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे लिक्विड का एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे तरह से पूरा का पूरा जो फूड होता है एक निवाले की तरह अपनी बॉडी में ले लेते हैं उसे बोलेंगे होलो जो एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे इसको इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी कहा, कहा गया है क्योंकि इसे हम पूरे के पूरे जो पीस होता है फूड को उसको इंजेस्ट कर लेते हैं जैसे एनिमल्स में होता है प्रोटोजोआ में होता है अमीबा केस में आपने पढ़ा होगा अमीबा अपने सीडोपोडिया बनाता है इस तरह से फूड के अराउंड और उस फूड को इनगल्फ कर लेता है तो उसे भी हम कहते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले तीन तरह के एनिमल्स होते हैं मेनली हर्बी बोर्स कार्नीबोर्स एंड ओमनी बोर्स हमने सिक्स क्लास में पढ़ा था ये हर्बी बोर्स यानी हर्ब खाने वाले घास खाने वाले या प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स कार्नीबोर्स यानी कार्न यानी मीट को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स ओमनी बोर यानी दोनों को जो हरबी बोर को भी खा जो घास भी खा सकता है यानी प्लांट्स भी खा सकता है और एनिमल भी खा सकता है उसको बोलते हैं हम ओमनी वोर इसके अलावा एक टर्म हमने लिखी है यहाँ पे डेटरी बोर्स डेटरी वोर कौन होते हैं जो डेड बॉडी के ऊपर फीड करते हैं उनको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं ये हमारे फूड चेन में बहुत काम आते हैं गंदगी साफ करने के लिए मेनली ये बैक्टीरियाज होते हैं डेटरी बोर्स तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में कितने स्टेप्स हैं पहले फूड को इंजेस्ट यानी बॉडी के अंदर लिया जाता है उसके बाद उसे डाइजेस्ट किया जाता है थर्ड पे डाइजेस्टेड फूड को सेल के साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा फोर्थ उस एबज़ॉर्बड फूड को यानी ग्लूकोज या सिंपल जो फूड होगा उसको यूज़ किया जाएगा हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए चाहे वो एनर्जी नीड्स हों चाहे बॉडी बिल्डिंग नीड्स हों चाहे वो रेगुलेटरी नीड्स हों उनके लिए उसे यूज़ किया जाएगा उसे बोलेंगे एसिमुलेशन और जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसे बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है उसे बोलेंगे इजेशन सिंपल भाषा में फूड को हमने अंदर इंजेस्ट किया उसे बोलेंगे इंजेशन उस इंजेस्टेड फूड को हमने डाइजेस्ट किया उसे बोलेंगे डाइजेशन उस डाइजेस्टेड फूड को हमारे सेल के साइटोप्लाज्म तक पहुंचाया गया उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन उस एब्जॉर्ब फूड को बॉडी में यूज किया गया उसे बोलेंगे एसिमुलेशन और जो बच गई गंदगी उसे हम बॉडी के बाहर फेंक देंगे उसे बोलेंगे हम इजेशन तो ये पांच स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में अब हम पढ़ेंगे डिटेल में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स क्योंकि हम होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं एन वगैरह में भी आते हैं तो इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं पहले ह्यूमन बींग्स को हम कहेंगे ओमनी क्योंकि ह्यूमन बींग्स दोनों ही प्लांट्स भी खा जाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं इसलिए हम कैसे हैं ओमनी वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है हम सब कुछ खा सकते हैं सेकंड होलोजो एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है यानी हम अपने फूड को कम्प्लीटली पूरा का पूरा पीस इंजेस्ट कर जाते हैं तो इसे बोलेंगे हम होलोजो एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा सेकेंड हमारी बॉडी में इस कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए क्या है एलिमेंट्री कनाल जिसको हम आंत कहते हैं हिंदी में एलिमेंट्री कनाल में ही जो पार्ट हैं चाहे माउथ है बकल कैविटी है ईसोफेगस है स्टमक है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन और एनस ये सारे पार्ट हेल्प करेंगे फूड को इंजस्ट करने में डाइजेस्ट करने में एसिमलेट करने में एब्जॉर्ब करने में और इजेस्ट करने में तो एलिमेंट्री कनाल ही वो मेन पार्ट है जिसमें हमारी बॉडी में हॉलोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है एलिमेंट्री कनाल क्या होती है एक ट्यूबुलर पैसेज है ट्यूब की तरह का पैसेज पैसेजार फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इन एन एस एंड इट इज अबाउट नाइन मीटर लॉन्ग हमारी जो एलिमेंट्री कनाल ह्यूमन बींग में उसकी लेंथ होती है नाइन मीटर्स आप सभी इन जो मेन पॉइंट्स को नोट करते जाएं या जो स्क्रीन के ऊपर नोट्स आ रहे हैं इनको आप सब कंप्लीटली नोट कर सकते हैं ये चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हैं अलग अलग सोर्सेज से लिए हुए

फ्रॉम विच फूड इज इंजेस्टेड यानी यहाँ से फूड हम अंदर लेते हैं माउथ इट इज़ यूज फॉर इंजेशन ऑफ फूड इट इज़ जस्ट एन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल द सेकेंड पार्ट इज बकल कैटी ना वट इज़ बकल कैटी माउथ के अंदर का जो स्पेस होता है स्पेस खाली स्पेस उसे बोलेंगे हम बकल कैिटी जहाँ पे टीथ होते हैं टंग होती है और जो एरिया बचा हुआ है उसे बोलेंगे हम बकल कैिटी ये स्टार्टिंग सबसे स्टार्टिंग का पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का माउथ ओपनिंग है उसके बाद का जो फर्स्ट पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम बकल कैविटी बकल कैविटी में होते हैं टीथ अब सभी जानते हैं हम फूड को जब इंजेस्ट करते हैं तो उसके पीसेस बड़े होते हैं उसे हमें बिल्कुल पेस्ट बनाना पड़ता है ताकि डाइजेशन हमारे स्टमक में इजी हो सके सो so, टीथ दिज आर कॉल्ड थीकोडोंट हैट्रोडोंट और डाइफायोडोंट इन तीनों टर्म्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है थीकोडॉन्ट मींस द टीथ ऑफ ह्यूमन बींग्स आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ जो हमारा मसूड़ा जबड़ा होता है उसमें दांत धंसे रहते हैं इसीलिए हमारे दांतों को बोलते हैं थीकोडॉन। थीको, थीको यानी एक तरह से कैविटी में फंसे हुए दांत दैट्स वाई अवर टीथ आर कॉल्ड थी देन टीथ आर मेड ऑफ डेंटाइन इस मेटेरियल जैसे टीथ बनते हैं हम डेंटाइन देन जो टीथ का आउटर पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्राउन क्राउन की ऊपर की लेयर को बोलते हैं एनिमल और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का क्वेश्चन की बार आता है आपके कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है उसे बोलते हैं हम एनिमल जो टीथ की आउटर कवरिंग होती है ठीक है तो अभी तक हमने देखा कि टीथ को हम कहते हैं थीकोडोंट क्योंकि वो हमारे जॉ में धंसे रहते हैं जबड़े में धंसे रहते हैं दैट्स थीकोडॉन्ट टीथ इज मेड ऑफ डेंटाइन एंड इट्स आउटर कवरिंग इज मेड ऑफ एनिमल विच इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी देन वी हैव फोर टाइप ऑफ टीथ दैट्स वाई अवर टीथ आर कॉल्ड हेट्रो डिफरेंट एनी टीथ वी हैव फोर टाइप ऑफ टीथ नंबर वन इन सीजर प्री मोलर एंड मोलर चार तरह के हमारी बॉडी में हमारी बकल कैविटी में दांत हैं दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हेट्रोडॉन एंड द फोर टाइप्स आर इन सीजर कैन प्री मोलर एंड मोलर हम सभी जानते हैं बचपन में जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं फिर परमानेंट दांत बाद में आते हैं मीन्स इन आर लाइफ टाइम आवर टीथ आर रिप्लेस्ड वंस एंड वी हैव टू टाइप ऑफ टीथ सेट दैट्स वाई दो बार आने वाले दांत हैंट द फर्स्ट सेट वॉज डेसीडुअस्ट टीथ यानी दूध वाले दांत और इनका नंबर होता है ट्वेंटी जो दूध वाले दांत हमारे बचपन में आते हैं उसे बोलते हैं हम डेसीडुअ टीथ मिल्क टीथ एंड दीज आर ट्वेंटी इन नंबर एंड देंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ इज टू वन जीरो टू डिवाइड बाय टू वन ज़ीरो टू इसे समझाएँगे हम कि ये फार्मूला कैसे लिखा जाता है फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो है अपर जॉ ये आपका है लोअर जॉ आपके दांत हैं ऊपर वाले ये नीचे वाले दांत हैं हम अपने माउथ को ऐसे टीथ को चार पार्ट में बांट लेते हैं इस तरह से तो यानी जो अपर पार्ट ये वन एंड टू ले लिया हमने है? तो टू वन जीरो टू मींस दो इंचर वन केनाइन प्री मोलर कोई नहीं और मोलर दो तो यहां पे कितने हो गए पांच ऊपर पांच नीचे पांच इस साइड और पांच साइड तो पांच चौके बीस टोटल टो टीथ कितने हो गए ट्वेंटी टीथ हो गए तो हमारे डेट टीथ कितने होते हैं ट्वेंटी नेक्स्ट है पर्मांट टीथ सभी जानते हैं बत्तीस बत्तीस ही क्योंकि हमारे पमानेंट टीथ कितने होते हैं बत्तीस दांत होते हैं और इनका डेंटल फॉर्मूला है टू वन टू थ्री टू वन टू थ्री अब तक समझ गए होंगे कि कैसे लिखा जाता है इसको हमने कहा इस तरह से अगर हमने बोर्ड चार पार्ट कर लिए अपने दांतों के टू इनसीजर वन के टू प्रीमोलर एंड देन थ्री यानी यानी ऊपर नीचे होंगे आपको समझ आया होगा तो हमारे दांत को अगर ब्रीफ में बताएं तो ये है थीकोडोंट यानी कि सॉकेट में फंसे हुए दांत देन हेट्रोडोंट यानी चार तरह के दांत और यानी दो बार आने वाले दांत डेंटल फार्मूला हमेशा याद रखें परमानेंट वाला टू वन टू थ्री टू वन टू थ्री एक कई बार पूछा जाता है आपसे देन बकल कैविटी में दांत के अलावा और क्या होता है सेलिवरी ग्लैंड यानी ऐसी ग्लैंड जो सेलैवा सेलैवा पैदा करते हैं उसको कहते हैं सेलिवरी ग्लैंड और तीन पेयर होते हैं सेलिवरी ग्लैंड के हमारे बकल कैविटी में वन इज पैरोटिड सब मैगजलरी सब लिंग ये पोजिशन के बेस पे नाम है सब लिंगुल यानी आपकी टंग के नीचे सब मैग्जलरिनी आपके गालों के पास पैटरनी इसके और साथ में तो पोजीशन के बेस पेन के नाम रखे गए हैं पैरटेड सब मैग्जलरी एंड सब लिंग्वेल नाउ वट इज़ द फंक्शन ऑफ सेलाइवा बट इट इज मेड ऑफ सेलाइवा कंटेन्स मेनली फोर थिंग्स फर्स्ट इज म्यूकस म्यूकस जिसको थ्रू कहते हैं ये आपके फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है उसको मोइस्टर करने में हेल्प करता है बकल कैविटी को मॉइस्ट करेगा यानी फूड की मिक्सिंग में हेल्प करता है द सेकेंड इज लाइसोजाइम लाइसो मीन्स लाइसिस तोड़ना जाइम यानी एनजाइम द एनजाइम विच हेल्प इन लाइसिस ऑफ ए सेल किसी सेल को तोड़ने में मदद कर रहा है उसको बोलेंगे हम लाइसोजाइम तो इसका मेन काम कहते हैं क्या होता है आपके फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में घुस गया है तो उसको किल करना ये काम होता है लाइसोजाइम का एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है इसकी एंड थर्ड वन इज टाइलिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा में बताइए कौन सा एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है उसका नाम होता है टाइलिन इसको सेलाइवरी अमाइलेज भी कहा जाता है या अल्फ़ा अमाइलेज भी कहते हैं इसका फंक्शन क्या है इट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट माल्टोज लेक्टोज एटसेट्रा एक्सेट्रा मेनली स्टार्च से यह माल्टोज बनाएगा यानी सिंपली बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का काम करता है कौन सेलवरी अमाइलेज या अल्फा अमाइलेज या टाइलिन तीनों नाम इसी के हैं द फोर्थ थिंग इज वॉटर वाटर काम भी है वाटर फूड मिक्सिंग में हेल्प करेगा हमारे बकल कैविटी को मॉइस्ट करेगा तो ये सारी चीजें चारों चीजें लाइसोजाइम टाइलिन एंड वाटर आर कंस्टेंट ऑफ सो द क्वेश्चन इज विच इज द एनजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन दैट इज टाइलिन इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है आपसे हमेशा याद रखें कि हमारी बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन होता है वो भी इनकम्प्लीट बाकी फैट्स का कोई डाइजेशन नहीं होगा प्रोटीन्स का कोई डाइजेशन नहीं होगा ओनली स्टार्च ही पार्शली डाइजेस्ट किया जाएगा बकल कैविटी में विद हेल्प ऑफ टाइलिन देन इसके अलावा सलाइवा काम क्या है ये टीथ को साफ रखने का काम करता है हमारी बकल कैविटी टंग लिप को मॉइस्ट रखने का काम करेगा ये सभी काम किसके हैं सलाइवा के उसके बाद बात करते हैं अबाउट डेंटल कैरीज डेंटल कैरीज यानी दांत का सड़ना दांत को सड़न कैसे होती है हमारा एक बैक्टीरिया है जो माउथ में मिलता है स्टेप्टोकोकस म्यूटन्स अगर हमारे बकल कैविटी में दांतों के अंदर कोई फूड पार्टिकल बच चुका है तो स्टेप्टोकोकस म्यूटन्स उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने का काम करेगा डिके करने का काम करेगा जिससे एसिड निकलेगा और वो एसिड आपके दांत को सड़ा सकता है इसे बोलते हैं हम डेंटल कैरीज इसमें कौन सा बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूटन्स और डेंटल प्लेग कॉज करता है इसके बाद हम बात करेंगे बकल कैविटी में कौन सा एक्शन फूड पे हुआ यानी फूड ओनली पहले मॉइस्टन हुआ विद हेल्प ऑफ म्यूकस एंड वाटर देन क्रश विद हेल्प ऑफ टीथ एंड पार्टली डाइजेस्टेड विद हेल्प ऑफ टाइलिन एंजाइम एंड बोलस इज फॉर्म बोलस क्या होता है हमने फूड को चुई करके चबा के जो उससे बिल्कुल बारीक गोला सा बन गया फूड का बिल्कुल बारीक है उसे बोलेंगे हम बोलस और यही बोलस हमारा कहाँ जाएगा अब स्टमक तक जाता है अब बात करते हैं डाइजेशन इन माउथ की बक्कल कैविटी के बाद का जो एरिया है उसे बोलते हैं फेरिंग्स यानी अगर ये माउथ है यहां से यहां बक्कल कैविटी थी उसके बाद का जो ये एरिया जहां से हमारी ईसोफेगस शुरू हो जाएगी स्टमक यहां स्टमक होता है जो इसोफेगस जहाँ शुरू होगी इस एरिया को बोलेंगे फेरिंग्स यहाँ से इसोफेगस यानी फूड पाइप और हमारी ट्रैकिया दोनों ही निकलती हैं यानी द पार्ट फ्रॉम विच फूड पाइप एंड विंड पाइप एमरजेज इज कॉल्ड फेरिंग्स यानी ये एंट्री है किसके लिए फूड पाइप के लिए इट इज फनल शेप्ड कॉमन पैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स यानी यहीं से ईसोफेगस इसे हम फूड पाइप कहते हैं और ट्रैक इसको हम रेस्पिरेटरी पाथवे जो पाइप है हमारी वहां से निकलती है उसे बोलेंगे हम फेरिंग्स तो फेरिंग्स से पास होके फूड पहुंचेगा ईसोफेगस तक और ईसोफेगस क्या है हमारी फूड पाइप होती है इसके बारे में देखते हैं द ईसोफेगस इज अबाउट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग विच कंटेन्स नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होंगी ओनली यहां पे क्या होता है म्यूकस सिक्रिएट होता है ताकि फूड का पैसेज अप टू स्टमक ईजी हो जाए इसलिए यहां पे ओनली म्यूकस ग्लैंड ग्लैंड्स इसोफेगस में नहीं होती हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो फूड पैसेज होगा यानी ईसोफेगस अगर ये है यहां से फूड सीधा स्टमक तक जाएगा और कौन सी मूवमेंट हेल्प से बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स दीज आर इनवलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन्स एंड ऑफ़ द फूड पाइप विच हेल्प इन पैसेज ऑफ बोलस और फूड फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टमक और पेरेस्टाइसिस मूवमेंट कैसी होती है फॉर एग्जाम्पल अगर ये ईसोफेगस है यहाँ पे हमने फूड यहाँ पहुँचा है बोलस कॉन्ट्रैक्शेसन यहाँ हो जाएगी रिलैक्शेसन यहाँ से हो जाएगी फूड आगे मूव करेगा फिर जैसे फूड यहाँ पहुँच गया यहाँ से ये वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड फ्रॉम हेयर इट इज़ गेट रिलैक्सड फूड आगे पहुँचेगा इस तरह से ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस चलती रहेंगी जब तक फूड हमारे स्टमक तक नहीं पहुँच जाता इन इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स को बोलेंगे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स सो इन ईसोफेगस इट इज़ अ ट्यूब विच हेल्प इन पसेज ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक विद हेल्प ऑफ पैरिस्टाइल्ट मूवमेंट्स नेक्स्ट इज फूड पहुंच चुका है स्टमक तक पहले फूड माउथ में हमने इंजेस्ट किया बकल कैविटी में उसमें पार्सल डाइजेशन हुआ विद हेल्प ऑफ टाइलिन एंड सलाइवा देन फ्रॉम बकल कैविटी इट रिच इज फेरिंग फ्रॉम फेरिंग्स थ्रो ईसो फेगस इट रिच इज स्टमक नाउ स्टमक में कौन सा एक्शन होगा फूड पे उस पर ध्यान देते हैं स्टमक इट इज ए जे शेप्ड जे शेप का वाइड मस्कुलर ऑर्गन है एलिमेंट्री कनाल का हम सभी ने देखा होगा अगर हम अभी ऊपर ध्यान दें जो ये पार्ट है हमारा ये है स्टमक किस तरह का है देखिए जे शेप का इस तरह से ना ये तो स्टमक का शेप कैसा है जे शेप का और ये कहाँ से कहाँ तक है देखिए ये था हमारे पास फेरिंग्स उसके बाद ये है ईसोफेगस देन इट इज स्टमक अब फूड यहां पहुंच चुका है जो एक जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन है एलिमेंट्री कनाल का अब देखेंगे इसमें कैसे डाइजेशन हो रहा है तो स्टमक में हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनके मिक्सचर को बोलेंगे हम गैस्ट्रिक जूस जूस यानी मिक्सचर गैस्ट्रिक यानी स्टमक द मिक्सचर ऑफ वेरियस एंजाइम्स एंड लिक्विड्स विच आर सिक्रेटेड इन साइड स्टमक इज़ नोन एज गेस्ट्रिक जूस इसमें क्वेश्चन क्या पूछ जाता है सॉरी कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से कंस्टुंट्स होते हैं द फर्स्ट वन इज एचल वेरी इम्पोर्टेंट इट इज आस्ट दैट इन आ स्टमक विच एसिड इज फाउंड दैन इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इस बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसका पी एच वन और टू के आसपास ही होता है एस एल का काम क्या है ये फूड को सॉफ्ट करेगा फूड को एसिडिक बनाएगा ताकि इसके ऊपर दूसरा एंजाइम जो स्टमक मिलता है पेप्सिन वो एक्ट कर सके क्योंकि जो सलाइवा है वो तो उसकी पीएच लगभग 7.4 होती है वो एल्कलीन है उस पीएच के ऊपर पेप्सिन वर्क नहीं कर सकता तो एच फूड को एसडिक कर देता है ताकि पेप्सिन एक अदर एंजाइम उसके ऊपर एक्ट कर सके देन जो एचसीएल है वो सेलेवरी अमाइलेज जो सेलाइवा में था उसके एक्शन को रोक देता है यानी स्टमक में आके सेलेवरी अमाइलेज इनएक्टिव हो जाता है नेक्स्ट एचसीएल डिसइनफेक्ट करता है फूड को क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एस एसिडिक है पी एच वन और टू के करीब है सो द ऑल माइक्रोब्स विच एंटर स्टमक एंड समहाउ सर्वाइव्स इन बकल कैविटी विल गेट किल्ड इन साइड स्टमक हैं एच सेल हेल्प इन डिस इन्फेक्शन ऑफ फूड इसके अलावा स्टमक कन्वर्ट्स इन एक्टिव पेप्सिनोजन टू एक्टिव पैप्सिन हमने कहा एच सेल एक्टिवेशन करता है पैप्सिन एंजाइम का ये पैप्सिनोजन के रूप में मिलता है स्टमक में और जब एच सी एल सिक्रेट होगा तभी ये पैप्सिन बनेगा अब ये एक्टिव एंजाइम हो चुका है अदर देन दैट इट ऑल्सो एक्टिवेट्स प्रू रेनिन इन टू रेनिन दिस इज ऑल्सो एन एनजाइम मीन्स एच के बहुत सारे काम हैं फूड को सॉफ़्ट करना उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करना फ़ूड को एसडिक बनाना ताकि उसके ऊपर पेप्सिन रेन एंजाइम एक्ट कर सकें सेलेवरी हमाइलेज के फंक्शन को रोकना फूड को डिसइन्फेक्ट करना अब देखते हैं नेक्स्ट जो कंस्टिट्यूएंट है दैट इज़ पैप्सिनट इज़ द फंक्शन ऑफ पेप्सिन पेप्सिन विच फंक्शंस इन एसडिक मीडियम बिटवीन टू एंड थ्री पी इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करेगा वहाँ से पैप्टोन्स या प्रोटीस बनाएगा यानी पार्शियली डाइजेस्ट करेगा किस को प्रोटीन्स को हैंस वट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन इट हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड इट इज एक्टिवेटेड बाई एच सी एल द नेक्स्ट एनजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज एंड इट इज फाउंड ओनली इन इन्फेंट्स अडल्ट ह्यूमन बींग में गैस्ट्रिक लाइपेज उसके स्टमक में नहीं मिलेगा इट एक्ट इन इन्फेंट्स एंड ब्रेक डाउन फैट जो भी लाइपेज एंजाइम होंगे लाइपेज ये लिपिड्स को यानी फैट्स को तोड़ने का काम करते हैं लाइप लिपिड आयानी एनजाइम ब्रेक डाउन करने वाला मीन्स जब भी आपके पास वर्ड आएगा लाइपेज मीन्स इट इज द एंजाइम विच हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स अगर आपके पास वर्ड आएगा अमाइलेज दीज आर एनजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स हमेशा सेम ही रहती हैं लाइपेज लिपिड डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम और एमाइलेज डाइजेस्ट करेंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स को नेक्स्ट नेक्स्ट इज रेनिन रेनिन ऐसा एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन कैसिन को तोड़ता है पैरा में यानी इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन

लास्ट कंस्टेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज म्यूकस विच हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक अगर ये स्टमक है मान लिया स्टमक की जो इनर लाइनिंग है ये वाला पोर्शन इसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एक्शन ऑफ एच सी एल क्यों एच सी एल बहुत ही ज्यादा एसिडिक होगा अगर एच सी एल को यहाँ फूड नहीं मिला तो क्या होगा एच सी एल विल डाइजेस्ट द लाइनिंग दिस लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड उससे हो जाता है पेप्टिक अल्सर और इससे इतना दर्द होता है कि आदमी का मौत भी हो सकता है तो म्यूकस हेल्प करता है म्यूकस एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है स्टमक की वॉल के राउंड जिससे एच हमारा इस वॉल के ऊपर एक्ट नहीं कर पाता और हमारा स्टमक डाइजेशन से बच जाता है तो ब्रीफ़ में देखेंगे कि स्टमक के फंक्शन क्या हैं टेम्प्रेरी स्टोरेज ऑफ़ फ़ूड यानी फूड को कुछ देर के लिए स्टोर करना फूड को सॉफ्ट करना ब्रेकडाउन करना डिसइनफेक्ट करना फ़ूड को फूड को अच्छे से मिक्स करना पार्शल डाइजेसन ऑफ फूड यानी जो भी एंजाइम है पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक्लाइपेज ये पार्शली डाइजेस्ट कर देंगे फूड को एबजॉर्बशन ऑफ फूड कुछ चीज़ें स्टमक से ही एब्जॉर्ब होते हैं जैसे पानी हो गया दवाइयाँ हो गई एल्कोहल हो गया ये आपके स्टमक में ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है नेक्स्ट लास्ट इज़ रेगोलेशन ऑफ पैसेज फूड फूड ही रेगुलेट करता है कि कब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करें फुल स्टमक में स्फिंक्टर्स यानी दरवाजे लगे होते हैं जो रेगुलेट करते हैं फूड का पैसेज फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये कुछ स्टमक के बारे में था जहाँ पे गैस्ट्रिक जूस से होता है गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम है हमारे पास स्टमक में है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन पेप्सिन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम रेनिन एंड म्यूकस जिनके डिफरेंट डिफरेंट काम है जो भी डिस्कस किए इसके बाद का टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा इसी तरह पढ़ते रहें और अपनी स्टडीज़ को अच्छे से घर बैठ के करें थैंक यू हैव ए नाइस डे